नमस्कार, टीवी न्यूज की खास खबरों में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से मंदिरों के प्रसाद में शुद्धता को लेकर चिंता बढ़ती ही जा रही है। देश के कोने कोने से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां मंदिरों में बनने वाले प्रसाद और लड्डुओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में चर्बी होने के दावे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो वहीं अब मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सलकनपुर देवी धाम में भी लड्डुओं की शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष महेश उपाध्याय ने मंदिर परिसर में बेचे जाने वाले लड्डुओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि लड्डुओं से अजीब गंध आती है और उनकी शुद्धता की गारंटी मंदिर प्रबंधन नहीं दे सकता। अब इस मामले में उन्होंने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से लड्डू बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। मंदिर प्रबंधन ने भक्तों से अपील की है कि वे मंदिर में बेचे जा रहे लड्डू ना खरीदें, क्योंकि इनकी गुणवत्ता संदिग्ध है। महेश उपाध्याय ने बताया है कि लड्डुओं में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की कोई प्रामाणिकता नहीं है। इसके अलावा दर्शनार्थियों द्वारा बार बार इसकी शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लड्डू बेचने वाले ने मंदिर का लोगो लगाकर प्रसाद बेचना तक शुरू कर दिया है, जो कि मंदिर की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। अब इस मुद्दे को लेकर सलकनपुर ट्रस्ट समिति ने कलेक्टर प्रवीण सिंह को एक लिखित आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने लड्डू बेचने वालों पर कार्यवाही की मांग कर दी है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले की जांच करेंगे और स्व सहायता समूह द्वारा बेचे जा रहे लड्डुओं की गुणवत्ता की भी जांच की जाएगी। इस विवाद ने नवरात्रि के दौरान मंदिर में आने वाले भक्तों के बीच चिंता पैदा कर दी है। नवरात्रि के समय भक्त विशेष रूप से प्रसाद की पवित्रता और शुद्धता को महत्व देते हैं और इस विवाद ने उन्हें सजग कर दिया है। मंदिर ट्रस्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मंदिर का लोगो लगाकर कोई भी व्यक्ति या समूह लड्डू नहीं बेच सकता है। इस कदम का उद्देश्य मंदिर की प्रतिष्ठा को बनाए रखना है। स्व सहायता समूह की महिलाएं इस लड्डू निर्माण और बिक्री में शामिल रही हैं और अब उनकी गतिविधियों की गहन जाँच की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश की तमाम ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए डीवी न्यूज़।